देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या फिर 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, विषम क्या होता है, ये सारी बात तो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, अगर आपके पास बुक अभी अवेलेबल नहीं है तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको आप एक अच्छे से नोट्स बना के सारी चीज़ें लिखना तो ज़्यादा बेटर होगा रिवीजन करते टाइम, आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं आगे कैसे सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए ये कहना ये जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए शुरुआत हम कैसे करेंगे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे ऐसा लेते हैं कि हमें कोई नंबर फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कोई एक नंबर फाइंड आउट करना है जो कैसा हमारा पॉजिटिव हो और पॉजिटिव साथ में ऑड नंबर यानी विषम संख्या और साथ में इंटीजर्स यानी पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो उसी चीज़ को देखने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माना यहाँ पे मैं देखे पूरे क्वेश्चन का फॉर्मेट बना के लिख रहा हूँ, ऐसे आप लिख सकते हैं, माना कोई धनात्मक गुणांक ए है और बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो अब देखना है, और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा फॉर्मेट क्या दिया हुआ, ये साइड में मैं लिख दिया 6q+1 6q+3 और जो भी है। तो ये बी देखिए कहाँ से आया, बी आपको याद है ना यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम, इसमें क्या होता है, ये सामने वाला क्या होता है बताइए, डिवाइजर, इसके बाद क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये तो हो गया डिवाइजर, और सभी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सभी में क्या है हमारे पास 6 है, ठीक है ना, यानी कि 6 तो हमारा फिक्स है, 6 क्या है फिक्स है। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है ये किस चीज़ का फॉर्मेट है, ये इसी ए का फॉर्मेट है जो हमने यहाँ पे लिखा है ना पूर्णांक, इसी ए को ही हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि ये हमारे दिया हुआ है, हमें इस चीज़ को प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है कि अगर मान लीजिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम 6q+1 6q+3 6q+5 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये इसी फॉर्म में किसके लिए, जो हमारे विषम संख्या के लिए हमें फाइंड आउट करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन को ध्यान में रखना, बिना क्वेश्चन को ध्यान में रखे हम काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो वहाँ तक हमें इसको क्वेश्चन को लेके पहुँचना है, यानी हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें जो चाहिए वो तो मान लीजिए ए है, ठीक, क्वेश्चन में दिया ये है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए is equal to 6q+r, ठीक है ना, 6q+r इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आपको याद है ना वो यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिदम, अगर इसको मुझे वैसे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 और यहाँ पे आ जाएगा आपका q, और ये बीच वाला नंबर हमें फाइंड आउट बोलना है कि ये इसी फॉर्म में ही होगा, समझ में आ रहा है ना, ये बीच वाले नंबर को हमें प्रूव करना है कि अगर हम इस 6q+1 करें तो ये फॉर्म बनेगा,
ठीक है ना, इसी बात को मैं प्रूव करना, तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसी चीज़ को मैंने ये मान लिया है, समझ में आया ना, इसी चीज़ को मैंने ए माना है, ये रहा। तो देखिए, तो ये और यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो क्यू हो सकता है, ये क्यू क्या हो सकता है, या तो ये ज़ीरो हो सकता है, ठीक है ना, ये क्यू जो है हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये जो क्यू है हमारा या तो ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से ज़्यादा होगा, माइनस में नहीं हो सकता, सीधी बात माइनस में नहीं हो सकता, ठीक है ना। और उसके बाद आर क्या हो सकता है, आर इज़ इक्वल टू, एक बात बताइए, आप जब डिवाइड करते थे याद है, देखिए मैं सारे आपके एग्जांपल के तौर पे साइड में लेता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। अब जैसे सपोज़ कर लिए मैं फाइव से किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ, फाइव से चलिए मैं 17 को डिवाइड करता हूँ, 5 3 15 ये आया 2, अब चलिए मैं 18 को डिवाइड करता हूँ, 5 3 15 कितना आया 3, 19 को कर लेते हैं, 5 3 15 4। तो अगर आप देखेंगे जिस नंबर से भी अगर आप किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो उसका रिमाइंडर इससे हमेशा एक डिजिट कम होता है, ठीक है ना, क्या होता है, इस नंबर से हमेशा ये जो हमारा है रिमाइंडर वो हमेशा कम होता है, ठीक है ना, यानी कि डिवाइज़र से रिमाइंडर हमेशा एक नंबर कम हो सकता है, यानी एक से नीचे ही होगा, यानी एक नंबर कम होने के बाद जैसे 5 है, 5 है तो आपका 4 3, उसके बाद 2 1 0 हो सकता है, अगर 7 है तो 6 हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ ये नहीं बोल रहा, होगा यानी कि उससे एक डिजिट कम में ही होगा, या एक हो लेकिन कम होगा उससे, बाकी उससे एक नंबर दो नंबर तीन नंबर भी कम हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने डिवाइड किया था तो इसका रिमाइंडर आया 3, यानी इससे 2 कम है, लेकिन फाइनल इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है इससे एक डिजिट कम में ही हो सकता है। और यहाँ पे देखिए, अगर इसी तरीके से मैं फिर डिवाइड कर दूँ 20 को, तो 5 4 20, ये देखिए इसका 0 आ गया, यानी इससे आगे जैसे हम नंबर को बढ़ाते हैं उसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, लेकिन 4 से ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है, अगर 5 से कर रहे हैं तो। इसी तरीके से आप चेक करके देख लेना कि अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे 6 से तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो 2 3 4 5, 6 नहीं हो सकता, ठीक है ना, कोई भी नंबर, अगर आप 10 से कर रहे हैं तो 9 तक हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 एंड 5 हो सकता है, क्लियर हुआ ना, समझ में आया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो भाई साहब यही तो 6 है हमारा, जो डिवाइज़र 6 है तो रिमाइंडर 5 तक ही तो होगा ना, क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, तो आगे बढ़ने के साथ साथ देखिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अगर ये देखिए, ये मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, अगर ये बेसिक चीज़ क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बेसिक कंप्लीट होने के बाद देखिए अब आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन, और विषम की बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो अब देखिए मैं a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूँ, अब a की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, a इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 0, उसके बाद और क्या लिख सकता हूँ, 6 क्यू प्लस 1, उसके बाद और 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, उसके बाद 6 क्यू प्लस 4, उसके बाद 6 क्यू प्लस 5, इससे आगे नहीं लिख सकता, समझ में आया नहीं आया, इतना तो लिख ही सकते हैं। तो अब आगे देखिए, आगे ठीक है ना, आगे देखते हैं, आगे हमें ये कह रहा है, अब देखिए यहीं से हम जो प्रूफ का जो सिलसिला है ना यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो अब आप एक काम करिए, सब में से 2 2 कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ विषम का पता लगाना है, किस चीज़ का पता लगाना है, विषम संख्या,
तो बिना टू कॉमन लिए हम विषम के बारे में पता नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो टू के जरिए तो विषम का पता लगेगा, तो चलिए लगाते हैं। इस फॉर्म को आप केवल सिक्स क्यूब ही लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ज़ीरो ऐड है तो ज़ीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, तो सिक्स क्यूब प्लस ज़ीरो को आप सिक्स क्यूब लिख सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिक्स क्यूब प्लस में वन, ठीक, तो एक बात बताइए, क्या यहाँ से आप अगर टू कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते, समझ में आ रहा है ना, टू कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा हमारा सम, कैसे, अगर इनमें से केवल इसमें से अगर आप टू कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा टू और उसके बाद थ्री क्यू प्लस में वन। ये टू क्या शो कर रहा है कि अगर टू से अगर आप किसी भी नंबर को, अब ये तो हमारा इंटीजर है यानी परिमेय संख्या, ओ सॉरी परिमेय बता रहा हूँ, पूर्णांक है, तो जब किसी पूर्णांक से पूर्णांक को मल्टीप्लाई करेंगे तो पूर्णांक क्या आएगा? सपोज़ कर लिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आ रहा है वन टू थ्री फोर, तो थ्री वन का थ्री आ रहा है, तो फिर थ्री को अगर आप टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम बन जाएगा। लेकिन अगर सम में अगर वन को ऐड करते हैं, समझ में आ रहा है ना, सम में अगर वन को ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा। इट मीन्स एक फॉर्म तो ये कम्प्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म देखिए, मैं उठाता हूँ किसको, ये सिक्स क्यूब को उठाता हूँ। अगर यहाँ से मैं उठा लेता हूँ सिक्स क्यूब प्लस टू, तो इसमें से देखिए दोनों में से टू कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से टू को कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री क्यूब प्लस में वन। इसका मतलब क्या है, ये कोई भी नंबर आ रहा है, सपोज़ कर लिए यहाँ पे आ रहा है कोई टेन आ रहा है, टेन एलेवन आ रहा है, तो इलेवन अगर आ रहा है तो इलेवन थ्री ज़ा थर्टी थ्री प्लस वन थर्टी फोर, तो थर्टी फोर में जब आप ऐड करेंगे वो सॉरी टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वो सम बन जाएगा, ठीक है ना। फॉर्मेट समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और अगर सपोज़ कर लिए यहाँ पे आ रहा है टू, तो थ्री टू ज़ा सिक्स प्लस वन सेवन हो गया, यानी सेवन एक विषम संख्या है। लेकिन अगर मल्टीप्लाइड में टू है तो सेवन फिर से हमारा क्या बन जाएगा? सम संख्या बन जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा, और हमें क्या लाना है, हमें तो विषम के बारे में पता करना है, तो इसका मतलब ये भी ये हमारा नहीं हो सकता, ठीक है ना, समझ में आया। फिर देखिए थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट कौन सा है, सिक्स क्यूब प्लस थ्री। क्या अब हम दोनों में से टू को कॉमन ले सकते हैं? नहीं ले सकते। यहाँ पे क्या एक में से कॉमन जाएगा, हो जाएगा थ्री क्यूब प्लस में ये बाहर प्लस में हो जाएगा थ्री। अब देखिए टू से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका सम, लेकिन फिर से अगर उसमें आप विषम को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? विषम बन जाएगा। यानी ये पार्ट सही है, ठीक है, सही, मतलब ये प्रूव होता जा रहा है हमारा। उसके बाद फिर आ रहा है सिक्स क्यूब प्लस फोर, तो ये हो जाएगा टू कॉमन लेने पे थ्री क्यूब प्लस टू। फिर से वही बात देखिए, ये वाला कंडीशन टोटल देखिए, अब टोटल के अगर मल्टीप्लाइड में कोई भी नंबर आ रहा है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर बन जाएगा हमारा सम संख्या, यानी कि ये भी नहीं है, ठीक है ना। टोटल ये देखिए टोटल के मल्टीप्लाई में नहीं है, ये केवल इसके मल्टीप्लाई में, फिर अलग से थ्री है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, सिक्स क्यूब प्लस फाइव, तो इसमें भी वही ये वाला कंडीशन फिर हो जा रहा है, टू कॉमन लेंगे थ्री क्यूब प्लस फाइव, फिर से वही विषम संख्या आ रहा है, ये टोटल तो आपका सम होगा, लेकिन जैसे ही उसमें आप विषम संख्या को ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? आपका विषम संख्या बन जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा। तो ये सही है, तो यानी कि ये तीन हमारे प्रूव हो गए। अब इससे क्या प्रूव हो रहा है, अब इसके आगे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए, इसलिए सिक्स क्यू प्लस वन सिक्स क्यू प्लस थ्री सिक्स क्यू प्लस फाइव सभी दो से विभाजित नहीं। और सीधी बात है, अगर दो से विभाजित नहीं है तो वो क्या बन जाएगा हमारा? विषम संख्या बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक लाइन और आप लिख दीजिए यहाँ पे,
इस प्रकार ये सभी विषम पूर्णांक है और इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होता है या रूप का होता है। ठीक है ना, सुनाया पूरी कहानी। अब इस तरीके से हमारे ये देखिए, जब हमने ये काम किया तो इस प्रोसेस से फिर से एक बार देख लीजिए, ये देखिए क्या 3 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, तो जब नहीं होता है तो उसको ऐड करोगे तो वो विषम बन जाएगा। 5 होता है, नहीं होता है, तो ये भी विषम है, लेकिन ये 2 तो और 4 2 से डिवाइडेड और 2 खुद से डिवाइड है, यानी ये भी हमारा सम है। ये भी कुछ भी यहाँ पे आ जाए, क्योंकि जगह पे कुछ भी आ सकता है वैल्यू, इंटीजर आना चाहिए, वो रैशनल नंबर नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। के बाद 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी आ जाए, तो उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो या तो सम आएगा या तो विषम आएगा, और सम आया इससे ऐड करोगे विषम बन जाएगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सम बन जाएगा। तो इसका हमारे पास काम नहीं, हमें चाहिए विषम नंबर। ठीक, तो चलिए आज रहने देते इतना ही।